वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स सो आपको पता है कि हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस चाहे वो आर्मी हो गए हो गए और नेवी हो गए अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं उसी तरह दोबारा इंडियन नेवी ने एक बहुत ही बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु सो इस पूरे के पूरे वीडियो में बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में कि ऑपरेशन समुद्र सेतु आखिर है क्या इसका नाम समुद्र सेतु क्यों पड़ा इस ऑपरेशन का बेसिकली एम क्या है कौन कौन से शिप्स इसमें यूज़ किए गए हैं इंडियन नेवी के थ्रू क्या इसका एग्जीक्यूशन प्लान है और जो शिप्स यूज किए गए हैं उनके स्पेसिफिक फ़ीचर्स वही शिप्स क्यों यूज़ किए गए हैं ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं हम इस टॉपिक में इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही ज्यादा डिटेल में तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो सबसे पहले ऑपरेशन समुद्र सेतु की मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो ऑपरेशन है फिफ्थ मे 2020 को इंडियन नेवी ने लॉन्च करा था समुद्र सेतु नाम से और क्यों लॉन्च करा था ताकि हम इवैक्यूएट कर सके इंडियंस को जो फॉरन लैंड में है कहाँ पर है वो वो मालदीव्स में है ड्यू टू स्टॉप एयरलाइन सर्विसेज जो कोविड 19 की वजह से जो एयरलाइन सर्विसेज स्टॉप हो गई हैं उनकी वजह से हमारे 1000 इंडियन नेशनल्स जो हैं वो फॉरेन लैंड पे फंस चुके हैं और उन्हीं के इवैक्यूएशन के लिए इंडियन नेवी ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया हुआ है समुद्र सेतु बेसिकली मीन्स सी ब्रिज और ब्रिजिंग द गैप तो बेसिकली उस गैप को ब्रिज करके हम अपने इंडियंस को वापस लेके आ रहे हैं बैक टू इंडिया फ्रॉम मालदीव्स और मालदीव्स में जो पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उस पोर्ट का नाम है मेल अब इसमें जो शिप्स यूज की गई हैं इस ऑपरेशन में दैट इज आई एन एस जलाश्वा एंड आई एन एस मगर ये दो शिप्स हमने यूज की हैं इन दोनों ऑपरेशन में तो जो लिस्ट ऑफ इंडियन नेशनल्स है जिनका इवेकुएशन होना है मालदीव से वो लिस्ट प्रिपेयर की गई है इंडियन मिशन इन द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स एंड इंडियन शिप्स जलाशवा एंड मगर को ऑलरेडी भेज दिया गया है मेल पोर्ट पे मालदीव्स के जो प्लान किया गया है वो ये किया गया है कि अराउंड थाउजेंड पर्सनस को हम लेके आएंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रिप आई एन एस जलाशवा जो है वो ऑलरेडी मालदीव्स पहुँचेगी मे एथ को टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड जो अराउंड सेवेंटीन थाउजेंड फाइव ट्वेंटी वन को समान टन्स वापस ला आई एन एस मगर जो है तो ये words आप याद रखिए। अभी हम आपको एम्फेबी वॉरशिप क्या होता है ये भी हम बताएंगे एंड ये अराउंड फाइव थाउजेंड एंड सेवन फिफ्टी जो है ये कैपेबल है डिस्प्लेस करने के प्लान क्या है कैसे एग्जीक्यूट करना है जब इवैक्यूएशन हो जाएगा सो ये जो लोग मालदीव से लाए गए हैं इन्हें क्वारंटीन सिचुएशन में कोची में रखा जाएगा ये जो ऑपरेशन है ये कोऑर्डिनेट हो रहा है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक्सटर्नल अफेयर्स में होम अफेयर्स में एंड हेल्थ अफेयर में और वेरियस अदर एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट इनको क्वारंटीन सिचुएशन में रखा जाएगा कोची के एयरपोर्ट पे जो स्टेट के थ्रू जो क्वारंटीन सेंटर्स बने हैं वहां पे इन लोगों को रखा जाएगा और उन्ही लोगों को वापस लेके आया जाएगा जिनमें कोविड नाइन्टीन के कोई सिम्टम्स नहीं है अब आई एन एस जलशुआ की अगर मैं बात करूँ आपको तो आई एन एस जलाशु जो कमीशन डेट है उसका ये आपका 22 जून 2007 में ये कमीशन हुआ था फॉर्मर यूएसएस ट्रेंटेन एलपीडी 14 इसका पेनेंट नंबर है आयन एस बेसिकली एक संस्कृत नेम है जलाश्वाट मीन हिपोपोटामिस विद मोटो द फ्यसपाइनियस ये एक एम्फेबियस असॉल्ट शिप है दैट कैन ट्रांसपोर्ट एंड लैंड वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एन एम्फेबियस फोर्स टू सपोर्ट ऑपरेशन अश्योर इसलिए हमने आई एन एस का यूज किया है ऑल्सो इसकी और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बींग द सेकेंड लार्जेस्ट शिप इन द इंडियन नेवी इन्वेंट्री इट इज कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग एम्फेबियस ऑपरेशन मेरी टाइम सर्विलेंस स्पेशल ऑपरेशन सर्च एंड रेस्क्यू मेडिकल सपोर्ट एज वेल एज ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ तो इन ऑपरेशन में हम आई एन एस जलाशवा को यूज करते हैं ड्यू टू इट्स लार्ज कैपेसिटी वहीं अगर मैं आई एन एस मगर की बात करूं तो आई एन एस मगर जो है उसे गार्डन रीथ शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड फ्रॉम कोलकाता ने डिज़ाइन किया था ऑन एटीन जुलाई नाइनटीन एटी सेवन को इसे कमीशन किया गया था ओवर द पास्ट थर्टी ईयर्स इसने पार्टिसिपेट किया है बहुत सारे नेवल ऑपरेशन में फ्लीट डिप्लॉयमेंट्स में एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन में जो मेजर ऑपरेशन थे आई एन एस मगर के थ्रू दैट वेयर ओ पी पवन एंड फॉर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स आई पी के एफ ऑपरेशन इन श्रीलंका तो ऐसे ऑपरेशन में आई एन एस मगर का ऑलरेडी यूज हो चुका है द शिप हैज पार्टिसिपेटेड इन ऑल मेजर एम्फेबियस एक्सरसाइजेज ऑन बोथ सी बोर्ड्स एंड ऑल्सो ऑन

पूरे के पूरे इस वीडियो में एक वर्ड बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे एंड दैट पर्टिकुलर वर्ड इज एम्फेबियर शिप तो एम्फेबियस शिप क्या होती है एम्फेबियस शिप बेसिकली आपकी वॉरशिप होती है विच इज एन एम्फेबियस एम्फी मीन्स ड्यूअल सो ड्यूअल व्हीकल वॉरशिप दैट इज एम्प्लॉयड टू लैंड एंड टू सपोर्ट ग्राउंड फोर्सेस दैट इज़ वाई इसका नाम एम्फेबियस व्हीकल और एम्फेबियस शिप रखा गया है सो आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव टू यू एंड अगर आपसे अब कोई पूछे दैट वॉट इज ऑपरेशन समुद्र सेतु तो आप डिटेल में बता सकेंगे साथ ही आप ये भी बता सकेंगे कि कौन कौन सी शिप्स इनमें यूज हुई हैं उनकी डिटेल्स क्या हैं एंड जो वर्ड एम्फेबियस यूज हुआ है वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग सो Please like the video, subscribe, and for more information or for any defense related updates, visit our site that is www.governmentcrackers.com. Thank you.